हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्प डेस्क में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में। बिहार यूनिवर्सिटी की आज की जो अपडेटेड न्यूज है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को इसी तरह की अपडेटेड न्यूज मिलती रहती है, तो जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम आगे बताते हैं दोस्तों आज की जो फर्स्ट न्यूज। सबसे पहले आप लोग बता दें कि आप लोग का मेरिट लिस्ट तो जारी 2-3 दिन पहले ही कर दिया गया। अभी तक आप लोग मेरिट लिस्ट जारी किया गया अभी तक चेक नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग ये भी बता दें कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है तो आप किस तरह चेक कर पाएंगे। आप लोगों को जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आप लोग को वहाँ पर मेरिट लिस्ट मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ पर देख पाएंगे, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह के मेरिट लिस्ट या फिर कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। वहीं बात करें आप लोगों की मेरिट लिस्ट जब जो जारी किया गया है उसकी एडमिशन की बात करें, कब से आप लोगों का एडमिशन होगी, जो मेरिट लिस्ट जिनका जिनका नाम आया है मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, कब से एडमिशन आप लोगों को होगी, तो आप लोग को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि चयनित छात्राओं का एडमिशन, यहाँ देख सकते हैं चयनित छात्राओं का एडमिशन 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक लिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आप लोगों का एडमिशन लिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है सभी कॉलेजों के प्राचार्य को कहा गया है कि 21 सितंबर को शाम 5 बजे तक नामांकित छात्र की लिस्ट UMIS पोर्टल पर अपलोड कर दे। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक नामांकन चलेगा, जिनका भी सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आया है, उन सभी का आप लोगों का जो एडमिशन है 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाली है, उसमें आप लोगों को 21 सितंबर को आप लोगों को UMIS के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा डिटेल। वहां से आप लोगों उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर जब तक जिनका UMIS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है तब तक उनका कंप्लीट एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप लोगों का काम नहीं है, आप लोगों को सिर्फ जाकर एडमिशन ले लेना है। जिस तरह से भी बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा कहा जा रहा है, पहले तो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, उसके बाद आप लोगों को फिर सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा, उसके बाद आप लोगों का एडमिशन प्रक्रिया हो जाएगी, तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आज की सेकेंड न्यूज पे, तो आज की सेकेंड न्यूज, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, गलत सवालों पर लिया गया पैट जांच को बनाई जाएगी कमेटी। आप लोग इस पेपर में भी देख सकते हैं गलत सवालों पर लिया गया पैट होगी जांच। आप लोग बता दें कि पैट की जो एग्जामिनेशन हुई थी 25 अगस्त को PPSD टेस्ट की जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें गलत सवाल पाए गए थे, जिसमें आप लोग को यहाँ पर कहा गया है कि आप लोग इसकी जाँच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। यहाँ पर दिया गया है बिहार विश्वविद्यालय में 25 अगस्त को जारी हुआ PhD एडमिशन टेस्ट गलत सवालों पर लिया गया, इसका आंसर शीट भी गलत हो ही जारी किया गया, इस आधार पर इसका परिणाम जारी कर मेरिट लिस्ट भी बना दी गई। सभी विषयों के 100 से अधिक छात्रों को इस पर आपत्ति जताई है। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के हरकत में आ गया। आप लोग बता दें, आप लोग को हम आगे बताने वाले हैं कि आप लोग को पैट का जो एग्जामिनेशन होने के बाद आप लोग को बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा आपत्ति यानी कोई भी उससे प्रश्न है तो उसके पूछने के लिए आप लोगों को एक मौका दिया गया था, जिसमें लगभग 100 से अधिक कैंडिडेट ने इसमें इसी सवाल को सवाल किया था कि इसमें कुछ जो प्रश्न है वो गलती पाई गई है और इसकी जाँच होनी चाहिए। तो इस पर आप लोगों को कमेटी बैठाई गई है, आप लोगों को इस पर जाँच होगी, उसके बाद आप लोगों को फिर से हो सकता है इस पर जो भी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, इस तरह से आप लोगों को होने वाला है। तो चलिए आज के फोर्थ न्यूज पे, तो आज की जो फोर्थ न्यूज है PG से संबंधित है। PG प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 14 से होने वाली है। PG प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होने वाली है 14 सितंबर से, यहाँ पर दिया गया है PG बिहार विश्वविद्यालय की ओर से 14 सितंबर से PG प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो रही है। इसको लेकर रविवार को सभी संबंधित कॉलेजों में और PG विभागों में एडमिट कार्ड भेज दिया गया है। सोमवार को छात्र छात्राएं अपने संस्थानों से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी, इसके लिए विश्वविद्यालय के पुराने नए परीक्षा भवन के केंद्र को बनाया गया है। बता दें कि PG 7 2019 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है। आप लोग बता दें कि सेशन जो है आप लोग को सेशन 2019 से जिनका भी जिस भी कैंडिडेट का सेशन 2019 उनका PG फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो रही है और उनका एडमिट कार्ड किस तरह से लेना है। आप लोगों को जिस भी कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन है उस कॉलेज में आप लोगों को जाना है, उस कॉलेज में आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप लोग एडमिट कार्ड अपना ले लीजिए। आप लोगों को 14 सितंबर से आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और सेशन इसका जो है 2019। तो चलिए आज के थर्ड न्यूज पे, तो आज की जो थर्ड न्यूज, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, स्नातक में नामांकन से कॉलेजों में बनाए गए अलग अलग काउंटर। आप लोग बता दें कि आप लोगों को स्नातक में आज से नामांकन स्टार्ट हो चुका है। आज जो भी कैंडिडेट स्नातक में नामांकन ले रहे हैं जाकर आप लोग ले लीजिए। आप लोगों का जो नामांकन हो रहा है
जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों को जारी किया गया है, आप लोगों का अभी हमने बताया कि आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई है स्नातक में, तो स्नातक में फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी की गई है, आप लोगों का नामांकन आज से स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं जो नामांकन जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, आप लोग जाकर करवा लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग को परेशानी हो सकती है। आप लोग शुरू ही दिन आप लोग जाकर जल्द से जल्द करवा लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, आप लोगों का नामांकन हो जाएगा। तो सभी के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, आप लोगों को आराम से नामांकन हो जाएगा, आप लोग कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए आज के फोर्थ न्यूज पे, तो आज की जो फोर्थ न्यूज है स्नातक की परीक्षा से रिलेटेड है। यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक की परीक्षा अगले महीने केंद्र बनाने की मांग जानकारी। आप लोग बता दें कि आप लोगों का जो स्नातक की परीक्षा की बात करें तो स्नातक की परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की ओर से यानी यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों को केंद्र के द्वारा केंद्र से इसमें आदेश मांगा है, जानकारी मांगी है। साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं कि बिहार विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू हो गई। पंचायत चुनाव में अधिकृत कॉलेजों में छोड़कर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। आप लोग बता दें कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन के कारण बहुत सारे ऐसे स्कूल या कॉलेज होंगे जो जिसमें आप लोग को सेंटर नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए उसको छोड़कर बाकी जो केंद्र बचे हैं उन सभी में आप लोगों का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है परीक्षा अक्टूबर में शुरू होगी। विश्वविद्यालय की ओर से पहले 2019-22 जो भी कैंडिडेट 2019-22 के कैंडिडेट हैं जिनका भी सेशन 2019-22 है उन सभी का आप लोगों का स्नातक की परीक्षा होने वाली है। और उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 2023 पार्ट, यहाँ पर दिया गया परीक्षा ली जाए जानी है, वहीं पार्ट टू व पार्ट थ्री की परीक्षा के बाद 2023 के प्रथम वर्ष की परीक्षा ली जाएगी। यानी कि जिनका 2019-22 सेशन है उनका पार्ट वन एंड पार्ट टू की परीक्षा ली जाएगी, और जिनका सेशन 2023 है उनका प्रथम वर्ष यानी पार्ट वन की परीक्षा ली जाएगी। तो इस तरह से आप लोग का एडमिशन होने वाली है, इसका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी अक्टूबर से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगी। इसकी एक्चुअल डेट नहीं दी गई है, आप लोग का अभी जारी की जाएगी, इसकी डेट ऑफिशियली जारी की जाएगी तब आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए आज की फिफ्थ न्यूज पे, आज की फिफ्थ न्यूज है बीएड ओडीएल प्रथम वर्ष की परीक्षा से रिलेटेड है। बीएड बिहार विश्वविद्यालय में बीएड ओडीएल प्रथम वर्ष की परीक्षा 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं बिहार विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में बीएड ओडीएल 2016-18 के प्रथम वर्ष की परीक्षा 14 से 20 सितंबर तक होगी। प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर ललन कुमार ने बताया कि यह परीक्षा डीडीई में ही आयोजित होगी, यानी कि आप लोगों को ये जो परीक्षा है डीडीई में ही आयोजित की जाएगी। सभी अपरिचित शिक्षक अपने विद्यालय से ही अवकाश लेकर 14 से 20 सितंबर तक परीक्षा में शामिल होंगे। सबसे पहले तो आप लोग बता दें कि ओडीएल की जो परीक्षाएं हैं बिहार विश्वविद्यालय बीएड ओडीएल की जो परीक्षाएं हैं प्रथम वर्ष की 2016-18 सेशन के जो 2016-18 के जो कैंडिडेट हैं जिनका सेशन 2016-18 है उन सभी का आप लोगों का 14 से 20 सितंबर तक आप लोगों को बीएड ओडीएल के एग्जामिनेशन ली जाएगी। तो आप लोग समझ चुके हो। चलिए आज के सिक्स न्यूज पे, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं पैट रिजल्ट पर 24 घंटे में 100 पत्ती। आप लोगों को हमने वीडियो को शुरू में ही बताया था कि आप लोगों को जांच क्यों की जा रही है, आप लोगों को पैट रिजल्ट आने के बाद इसमें जांच क्यों की जा रही है, गलत सवालों पर जांच क्यों की जा रही है। तो आप लोग बता दें कि इसमें आपत्ति के लिए यानी कि आप लोगों को किसी भी तरह की त्रुटि के लिए बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा एक मौका दिया गया था कि जो कैंडिडेट को सवाल में या किसी भी प्रक्रिया में आप लोगों को गलत लग रहा है कि यूनिवर्सिटी गलत कर रही है तो उस पर आप लोग सवाल पूछ सकते हैं और उस पर जांच करने के लिए मांग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के लिए 2 दिनों के लिए पोर्टल भी खोला गया था जिसमें लगभग 100 कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया था, इसमें आपत्ति जताई थी, और उसके बाद आप लोग को गलत सवालों को लेकर जाँच की जा रही है। तो आप लोगों का अगर गलत सवाल पाई जाती है तो हो सकता है एग्जामिनेशन फिर से ली जाएगी या फिर आप लोग को उसमें कुछ इंसेंटिव यानी कि जैसे कि जो सवाल गलती है उसमें सभी का नंबर जोड़ा जाएगा, इस तरह से आप लोगों को किया जा सकता है। तो चलिए आज की जो अपडेटेड न्यूज थी आज इतने तक ख़त्म करते हैं। चल आप मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।